नमस्कार, आप नेशन भारत के साथ में हूँ राकेश। लॉकडाउन के 2 महीने हो गए हैं और कई सारी चीज़ें अब धीरे धीरे खुलने लगी है। लॉकडाउन के लगभग 2 महीनों के बाद पटना एयरपोर्ट से विमान की उड़ानें फिर से शुरू होने वाली है। 25 मई से पटना एयरपोर्ट शुरू होने वाला है। विमान सेवा को लेकर रविवार को जिलाधिकारी कुमार रवि और पटना SSP द्वारा यहाँ के इंतजामों का जायजा लिया गया। आपको बताते चले कि बीते शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने हवाई यात्रियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किए जा रहे उपायों का समीक्षा किया। वहीं उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक कदम भी उठाने के निर्देश दिए, जिसके तहत यात्रियों को मेडिकल स्क्रीनिंग करनी है। वहीं सभी यात्रियों के मेडिकल स्क्रीनिंग की व्यवस्था पटना एयरपोर्ट प्रशासन द्वारा ही किया जाना है। एयरपोर्ट टर्मिनल में एंट्री करने या फिर बाहर निकलते समय भीड़ इकट्ठा न हो, इसके भी इंतजाम करने को कहा गया है। इसी कड़ी में प्रमंडलीय आयुक्त के आदेश के बाद रविवार 24 मई को जिलाधिकारी और पटना SSP पटना एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट पर किए गए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। व्यवस्था की गई और क्या किन किन चीज़ों पे खासा ध्यान दिया गया? SOP इसका डिफाइंड है, उसी आधार पे हम लोग आज बैठक कर रहे हैं और इसको ड्रिल को सेट कर रहे हैं। और हम लोग की प्रयास है कि किसी भी तरह का इसमें कोई बाधा ना आए और सभी जो पैसेंजर्स जाएँ यहाँ से और वापस आएँ उनकी प्रॉपर फिशिंग चेकिंग SOP के हिसाब से हो और उनके ट्रैवल में कोई दिक्कत नहीं आए। ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से क्या ट्रांसपोर्टेशन से वो लोग आए यहाँ पे जाने की क्या व्यवस्था है? सबको बताया गया कि सब लोगों को निजी वाहन से जाने का परमिशन है और वो लोग भाड़े की गाड़ियों भी टैक्सी भी ओला उबर भी कर सकते हैं। सबको होम क्वारंटाइन का निर्देश है। सर, जो लोग बाहर से आएंगे उन्हें होम क्वारंटाइन पर रखा जाएगा, क्वारंटाइन सेंटर पे रखा जाएगा? मेरी जानकारी में उनको होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा। गेट तक सर, आप तो गेट के पास आप लोग ठीक करेगा सर, और टैक्सी क्यों नहीं दे रहे तो 25 मई से जो उड़ानें होंगी घरेलू विमानें वो शुरू हो जाएंगी और इसको लेकर एहतियात बरते जा रहे हैं। खुद जिला प्रशासन अपने निगरानी में तमाम दिशा निर्देश जारी किया जा रहा है ताकि बाहर से आने वाले किसी भी शख्स को कोरोना हो भी तो उसे अलग रखा जाए, क्वारंटीन किया जाए और संक्रमण फैलने का खतरा ना हो। फिलहाल खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहें नेशन भारत, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।